लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ता एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। पार्टी ने आगामी कार्यक्रमों को लेकर भाजयुमो को अहम जिम्मेदारी दी है। संगठन महापर्व के दौरान नए सदस्य बनाने से लेकर आपातकाल की बरसी तक के कार्यक्रमों में मोर्चा से जुड़े कार्यकर्ताओं की भूमिका सबसे अहम रहेगी और इसी सिलसिले में गुरुवार को प्रदेश भाजपा मुख्यालय में मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक हुई। मोर्चा अध्यक्ष अशोक सैनी भादरा की मौजूदगी में हुई बैठक में पदाधिकारियों को पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। देखिए, ये जो राजस्थान युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक हमारी संपन्न हुई है और ये एक रूटीन बैठक है। हर 1.5-2 महीने में हम पूरे प्रदेश की टीम के साथ, ऐसे जिले की टीम के साथ, ऐसे केंद्र में हम लोग बैठते हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की दृष्टि से लंबे समय तक हम लोग नहीं बैठ पाए थे। इसको लेकर के प्रदेश कार्य समिति के बाद में माननीय संतर महामंत्री जी और पार्टी प्रदेश नेतृत्व का आदेश था कि एक बार हम लोग आपस में बैठ करके आगामी कार्यक्रमों को लेकर के चर्चा करें और पीछे के कामों की भी समीक्षा हम लोगों ने आज करी है। और कल से ही कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवा मोर्चा को दिए गए हैं। कल 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरा युवा मोर्चा प्रदेश भर में योग दिवस के अंदर शामिल होगा। 22 तारीख को माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी की पुण्य जन्मतिथि है, उसको लेकर के कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।